हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सबों का एक बार आपके चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में भारत के भूगोल की स्थिति और विस्तार यानी कि भारत के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि वो सब सारी जानकारियाँ आप लोगों को याद हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें ताकि उनको भी ऐसे ही आने वाले वीडियो के अपडेट्स भी मिलते रहें और आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो सब भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। और यहाँ पर हम यह जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों में से स्थल के साथ में कौन कौन से देश लगे हुए हैं और जलीय सीमा के साथ कौन कौन से देश लगे हुए हैं और दोनों के साथ में कौन कौन से देश लगे हुए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी को देखने वाले हैं अभी। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है भारत का मानचित्र और इसमें आप सबसे नीचे ये छोटी सी देख रहे हैं, यह है हमारा श्रीलंका। उसके बाद है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को यह है सुमात्रा जो इंडोनेशिया का भाग है, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग यह है म्यांमार। तो यह है म्यांमार, इसी को हम लोग पहले बर्मा कहते थे। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो देश है वह है थाईलैंड। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं आप लोग यहां से, ये इधर से क्लोज हो जाएगा लेकिन इसको बस मैं यहां दिखाने के लिए बनाया हूं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है यह है हमारा चीन, यह है हमारा चीन। और चीन में तिब्बत वाला जो हिस्सा है वह भारत के साथ में लगा हुआ है। तो यह पूरी की पूरी हमारा चीन है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला, यह है हमारा नेपाल। नेपाल ये छोटा सा देख रहे होंगे आप लोग मैप में, तो यह है हमारा भूटान, यह हमारा भूटान। और ये वाला हिस्सा, ये वाला जो देश है वह है बांग्लादेश, यह है बांग्लादेश। दोस्तों, आप लोग मैप में देख सकते हैं इनके लोकेशन, और यहाँ से भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी जो जो देश हैं वे सब कहाँ पर हैं, उनके लोकेशंस कहाँ पर हैं, और साथ ही साथ भारत का जो राज्य है वह कौन कौन से राज्य इन देशों के साथ में लगा हुआ है, ये सब भी आप लोगों को मिल जाएगी मैप में देखने के लिए। अब इधर में बात करते हैं तो यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान और ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान के, इधर वाला जो देश है वह है अफगानिस्तान, यह है अफगानिस्तान। तो दोस्तों, ये सब है भारत के पड़ोसी देश जो कि जलीय और स्थलीय सीमा के साथ में लगे हुए हैं। यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हैं मालदीव, यह है ऊपर वाला लक्षद्वीप, नीचे है हमारा हिंद महासागर, और इस वाला जो भाग होता है जो समुद्र है वह है अरब सागर, और इस वाला जो है वह है बंगाल की खाड़ी। तो इतने सारे देश हैं जो भारत के साथ में स्थलीय और जलीय सीमा के साथ में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इनके बारे में बताया हुआ था, तो आप लोग पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में, एक पाक जल संधि है और साथ ही साथ में मन्नार की खाड़ी भी है। तो इन दोनों के द्वारा ही यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो इसको मैं लिख देता हूं ताकि यहां से भी क्वेश्चन बने तो आप लोग बना सकते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जल संधि, है, यानी कि इन दोनों को पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये जो पाक है वह पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, बल्कि यह एक अंग्रेज का नाम है जो कि पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का हुआ करता था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का एक अंग्रेज था, तो उसी के नाम से यह पाक जल संधि का नाम पड़ा है। और यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है, मन्नार
खाड़ी, तो यह भी है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच या पास में स्थित है। तो आपको ये दोनों को जानकारी रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को पाक जल संधि और साथ ही साथ मन्नार की खाड़ी दोनों मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और ये नीचे जो कि सुमात्रा है, इंडोनेशिया का भाग है, तो इन दोनों के बीच में भी है एक चैनल और उस चैनल का नाम है ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया यानी कि सुमात्रा से अलग करता है। तो आपको यह मैं बता देता हूँ ताकि एकदम बिल्कुल ही क्वेश्चन छूटे नहीं। तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुमात्रा से ग्रैंड चैनल से अलग होता है। तो यहाँ पर है ग्रैंड चैनल हमारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रैंड चैनल यहाँ पर इंसर्ट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत के साथ में जो पड़ोसी देश हैं स्थल के साथ लगे हुए, उन देशों की संख्या या उन देशों के नाम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये जो देश हैं वह स्थलीय के साथ में लगे हुए हैं यानी भारत के स्थल सीमा के साथ में लगे हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दोस्तों इसमें भी ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान वाला जो सीमा है वह पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके का सीमा के साथ में लगा हुआ है, लेकिन हम लोग जानकारी के लिए रखेंगे कि यह जो अफगानिस्तान की सीमा है वह भारत का जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है उसमें से लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में यह अफगानिस्तान की सीमा पड़ती है। हमको यह ध्यान रखना है या जानकारी को रखना है, लेकिन यह पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। तो अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख वाले यूनियन टेरिटरीज के साथ में सीमा बनाता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि भारत के यूनियन टेरिटरीज यानी भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों प्रदेशों के बारे में जब बताया था उस समय मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर का जो पहले का जो हिस्सा था उसमें से ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ है लद्दाख यूनियन टेरिटरीज और नीचे वाला जो था वह जम्मू कश्मीर। तो ऊपर वाला हिस्सा के साथ में लगा हुआ है हमारा अफगानिस्तान। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले या स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश। तो इसमें है पहला हमारा अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है चीन, पांचवा है भूटान, छठा नंबर का है बांग्लादेश और सातवें नंबर पर है म्यांमार। तो यहाँ पर जो है
टोटल 7 देश। तो यहां पर टोटल 7 देश हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा करते हैं या स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के साथ में कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं या कितने ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ में स्थल के साथ लगती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 7। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारत के साथ में समुद्री सीमा या जलीय सीमा बनाने वाले देशों की। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि भारत की जो जल क्षेत्र है यानी कि भारत की जो जलीय सीमा है वह अन्य कौन कौन से देशों की जलीय सीमा के साथ में या समुद्री सीमा के साथ में लगे हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो हिस्सा है वह अरब सागर है और यह भारत का हिस्सा है, साथ ही साथ में यह पाकिस्तान देश है। तो इन दोनों के बीच में भी हमारा जलीय सीमा या समुद्री सीमा मिलता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर लक्षद्वीप जो भारत की है और यह मालदीव है, तो इन दोनों के बीच की जो समुद्री सीमा है, जो जो जलीय क्षेत्र है वह आपस में मिले हुए हैं। तो पाकिस्तान, इसके बाद में इधर हमारा मालदीव, इन दोनों के साथ में हमारा दोनों समुद्री या जलीय क्षेत्र मिला हुआ है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ देखते हैं तो श्रीलंका के साथ में भी हमारा जलीय क्षेत्र या समुद्री सीमा मैच करता है यानी कि मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ में सुमात्रा जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ पर भी हमारा जलीय क्षेत्र या समुद्री सीमा मिलता है। और फिर ऊपर की ओर थोड़ा देखते हैं तो ये म्यांमार वाला जो हिस्सा है म्यांमार देश का, उसके साथ भी हमारा जलीय सीमा लगा हुआ है यानी समुद्री सीमा लगा हुआ है। और ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ में हमारा समुद्री क्षेत्र या समुद्री सीमा हमारा मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर भी हमारा अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है, ये और यह है हमारा थाईलैंड, तो इन दोनों के बीच में भी हमारा समुद्री सीमा बनेगा या समुद्री सीमा साझा होगा। तो यहाँ पर गिनते हैं कि हमारा कितना है। तो पाकिस्तान वाला से 1, मालदीव से 2, श्रीलंका से 3, इंडोनेशिया से 4, थाईलैंड से 5, म्यांमार से 6 और बांग्लादेश से 7। तो टोटल 7 देश हैं ये भी जो हमारा समुद्री सीमा साझा करते हैं या समुद्र के साथ में लगे हुए हैं। तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक एक करके। भारत के समुद्री या जलीय पड़ोसी देश तो यह है हमारा पहला पाकिस्तान, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है इंडोनेशिया पांचवा है हमारा थाईलैंड छठा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। ये भी कितने हैं तो यह भी हमारे 7 देश हैं टोटल। तो स्थल के साथ में और समुद्र के साथ में जो भारत के पड़ोसी देश हैं वह दोनों साथ साथ करके हैं। और दोस्तों इसमें से ऐसे भी देश हैं जो स्थल के साथ भी मिले हुए हैं और साथ ही साथ जल के साथ भी मिले हुए हैं यानी कि समुद्र के साथ भी मिले हुए हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं, तो वहाँ है एक हमारा पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और म्यांमार। ये तीनों जो हैं वह भारत के साथ में समुद्र के साथ भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ स्थल के साथ भी लगे हुए हैं। स्थलीय और समुद्री सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है तो वह है 3। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, भारत के साथ स्थलीय और समुद्री सीमा बनाने वाले या साझा करने वाले देश तो यह है हमारा पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा है
म्यांमार। तो ये है 3 देश, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितने भी मैंने बताया वो सब सारे इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ज्योग्राफी से भारत के बारे में, जो हम लोग अपने देश में रहते हैं, तो इसके बारे में जानकारी को अच्छे से ध्यान रखना ही रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि समुद्र के साथ में, स्थल के साथ में और समुद्र स्थल दोनों के साथ में लगाए हुए भारत के पड़ोसी देशों के नाम। और उसमें मैंने ये भी बताया एक ग्रैंड चैनल जो कि सुमात्रा और अंडमान निकोबार के बीच में स्थित है, तो ये दोनों को अलग करता है, ये भी मैंने बताया। तो दोस्तों पिछली जानकारी को देखने के लिए आप लोग पिछली वीडियोस को जरूर से जरूर देखें, और जो चैनल में नया आया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, और कौन से देश के साथ में भारत की सीमा सबसे ज़्यादा है, कौन से देश के साथ सबसे कम है, इसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।